गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम जीके में लेसन 23 करेंगे। टाइम फॉर एन एडवेंचर मींस कुछ समय एडवेंचर खेलों के लिए, ठीक है। देखिए एडवेंचर गेम क्या होते हैं, जो बहुत साहसिक होते हैं, ठीक है, बहुत हिम्मत वाले लोग इनको खेलते हैं, उनको डर नहीं लगता, जैसे ऊंचाई से, ठीक है, और स्काई डाइविंग जो होते हैं, ऊपर से जो कूदने वाले गेम होते हैं एरोप्लेन से, ठीक है, इनको उससे डर नहीं लगता। चलिए रीड करते हैं। सम गेम्स आर प्लेड जस्ट फॉर फन, कुछ गेम जो होते हैं वो सिर्फ फन मीन मौज मस्ती के लिए खेले जाते हैं, ठीक है। इन दीज गेम्स नोबडी विंस और लूज, ठीक है, इन गेमों में ना तो कोई जीतता है ना ही कोई हारता है, ठीक है। दीज गेम्स आर नोइंग एज एडवेंचर, और इन गेमों को क्या कहते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स मीन्स साहसिक खेल, ठीक है। साहसिक कौन होता है, जो हिम्मत वाला, जिसको डर नहीं लगता, ठीक है। अब इनको क्या करना है, आइडेंटिफाई द एडवेंचर स्पोर्ट एंड राइट इट्स नेम यूजिंग द हेल्प बॉक्स, ठीक है। हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स दी है, यहाँ से हमें इनके नाम पिक्चर देख के इनके नाम फिल करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, कोई रस्सी में बंधा हुआ है और यहाँ से जंप कर रहे हैं नीचे को, ठीक है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ऊंचाई से ये जंप कर रहे हैं, बट ये बंधे हुए हैं, ठीक है, रस्सी से इनको बांध रखा है, नहीं तो गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, ठीक है। तो ये गेम कौन सा है जिसको ऊंचाई से जंप करते हैं, इसमें ये है बेंजी जंपिंग, ठीक है। सेकेंड देखिए हैंग ग्लाइडिंग, इसमें एक मोटर यानी कि बाइक की तरह होती है, ठीक है, लेकिन ये बिना उसके चलती है, इसमें टायर वायर कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक मैन है, एक आदमी है, वो इसको चला रहा है, ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग। थर्ड है विंड सर्फिंग, यहाँ पर पानी में क्या करना होता है, एक ही फट्टा होता है, लकड़ी का फट्टा टाइप का होता है, ठीक है, और ये जो ऊपर है ना, इसमें हवा चलती है, जब ये हवा चलती है तो हवा जिधर को हवा चलेगी उधर को ये मुड़ जाएगा, ठीक है। तो विंड सर्फिंग, हवा के साथ सर्फिंग, हवा के साथ चलती है ये, ठीक है। फोर्थ है ये देखिए, पानी में कुछ लोग बोट में बैठे हुए हैं, नाव में बैठे हुए हैं ना, हाँ, और ये लहरों पे हैं, जिधर को लहरें जाती है ना उधर कोई बोट चलती है, ठीक है, लहरों के साथ बोटिंग करते हैं ये। तो ये है रिवर राफ्टिंग, ठीक है। फिफ्थ देखिए स्काई डाइविंग, ये क्या करते हैं, जो पैरासूट होता है ना, छतरी जैसा खुल जाता है, ठीक है, जब देखा होगा ना आपने टीवी में, जब कोई एरोप्लेन से नीचे को जंप करता है तो एक छतरी जैसी खुल जाती है ना, हाँ, तो ये वही गेम होता है, वो अपनी खुशी के लिए इस गेम को खेलते हैं, ठीक है। स्काई डाइविंग, पैरासूट हमें बचाने के लिए भी होता है, कभी जैसे इमरजेंसी आ जाती है ना एरोप्लेन में, तब भी वो उसका हम यूज़ करते हैं, और ये जो गेम है इसके लिए भी उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, ये गेम है, गेम भी है स्काई डाइविंग, ठीक है। यहाँ देखिए ये है स्कीइंग, यानी कि इसमें आइस में जाते हैं, ठीक है, ऐसे स्लिप करते हुए एकदम स्पीडली आते हैं, ठीक है, तो आइस में खेलते हैं। तो यहाँ देखिए एडवेंचर स्पोर्ट ऑफन इन्वॉल्व अ हाई लेवल ऑफ रिस्क, सो डू नॉट ट्राई दीज, मीन्स जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वह क्या होते हैं, इनमें बहुत हाई रिस्क होता है, ठीक है, जान तक जाने का रिस्क होता है इसमें, इसलिए हमें ये कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए रेनबो ड्राइंग में, देखिए रेनबो, ठीक है, रेनबो है, मैं आपको कलर फिल करने हैं, ठीक है, उसको ड्राइंग फाइल में भी
करना है आपने, ठीक है। देखिए यहाँ पर है पर्पल, यहाँ से जैसे कलर भरे हुए हैं ना ऐसे आपको फिल करने हैं आप, ठीक है। पर्पल भरना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंडिगो यानी कि नीला रंग, ठीक है, जो नील कलर का होता है इंडिगो। यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज, येलो, फिर ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, सेवन कलर्स होते हैं, ठीक है। और रेनबो इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स, ठीक है। रेनबो किससे, कितने कलर से बनता है, सेवन कलर से, ठीक है। आपको ड्राइंग फाइल में भी इसको ड्रॉ करना है और बुक में भी फिल करना है कलर, ठीक है। समझ में आया सबको, गुड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।